घर में सब मसाला को डाल दिए हैं। और ये है हम लोग का चोखा, घर बैठ के खा रहे हैं महाराजा। तो चलिए रिव्यू पूछते हैं कैसा बना है। तो बता। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो स्वागत है मेरे फिर से एक नए ब्लॉग पर। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी हम गांव में हैं, क्योंकि वोट के दिन ही गांव आए हुए थे, तो अभी हम गांव में ही हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग को हम शाम में स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब कि इवनिंग टाइम में, दोपहर में स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं घर में गुपचुप। तो आप लोगों को दिखाएंगे कैसा हम लोग बनाते हैं, सफल भी हो पाते हैं कि नहीं। तो इधर देख सकते हैं, इधर हम लोग आटा सान लिए हैं, सूजी और मैदा, मैदा ना आता आटा, सूजी और आटा से साने हुए हैं लोया। और इधर है हम लोगों का इमली पानी, और इधर आलू उबाल के रखे हुए हैं, और इधर तेल चढ़ाए। तो चलिए तेल गरम होने देते हैं, उसके बाद फिर छोटा छोटा बनाते हैं और गुपचुप बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं बनाना। गाइस, तो हम लोग का गुपचुप फेल हो चुका, मतलब हम लोग फेल हो चुके बनाने में, क्योंकि बना ही नहीं गुपचुप, क्योंकि उसको और भी शायद रखना है 20 मिनट, जैसे ये में सूती के कपड़े में। तो अभी हम लोग फिर से यूट्यूब देखे, उसके बाद फिर से अभी हम लोग बेल के फिर अभी यहाँ पर रखते जा रहे हैं, यहाँ पर रखते जा रहे हैं जैसे कि यूट्यूब में बताया हम लोगों को। तो चलिए अभी फिर से अभी हम लोग बेल रहे हैं। तो देख सकते हैं अभी पूरा बेल लिए हैं, अभी इसको इसके से पूरे गोल गोल करके। तो देख सकते हैं हम लोग इतना सारा गुपचुप बेल के रख दिए हैं। तो चलिए इसको ढक के छोड़ देते हैं थोड़ा देर, जैसे कि YouTube में बताया गया था। और फिर इधर इमली पानी सब, और वहां जो आलू है उसको छीलेंगे। गाइस, तो देख सकते हैं ये है हम लोग का पानी, इसमें डाल दिए हैं जो भी मसाला था घर में, सब मसाला को डाल दिए हैं। और ये है हम लोग का चोखा, इसमें भी प्याज व्याज काट के डाल दिए हैं, और धनिया पाउडर सब, जीरा पाउडर सब सब डाल दिए हैं। और वहां धनिया पत्ता थोड़ा सा सूख गया था, लेकिन कोई बात नहीं, काम आ रहा है, इसी को भी हम लोग डाल रहे हैं। और उधर मेरा भाई छाक रहा है, अब पता नहीं पूरी बनेगा कि पूड़ा बनेगा। गाइस, तो देख सकते हैं हम लोग का गुपचुप बन के रेडी हो रहा है। तो देख सकते हैं हम लोग का गुपचुप बन के रेडी हो चुका है पूरा, उधर भी निकाले हुए हैं। बहुत कंगना बेले और मैंने मिल के इधर थी फाइनली ही गुपचुप बन के रेडी हो चुका है, मतलब पूरा नहीं, आधा। ए बाप, आधा। सब गुपचुप है और बैठ के खा रहे हैं महाराजा। तो चलिए रिव्यू पूछते हैं कैसा बना है। तो बताओ कैसा लग रहा है, एकदम टेस्टी ना हम बनाए हैं इसलिए। गाइस, तो इसके बाद हम लोग का पारी है, और इधर देख सकते हैं हम पहले ही लुका के रख लिए हैं अच्छा अच्छा को। और इधर भाभी फिर से बेल बेल के डालते जा रही है। तो फाइनली रात हो चुका है, और सबको हम लोग गुपचुप खा लिए, और बहुत ही मस्त टेस्टी बना था गुपचुप। गुपचुप का पानी, चोखा उखा सब एक नंबर बना था। तो अभी रात हो चुका है, और हम लोग घर में चिकन बना है, इधर देख सकते हैं।
और उधर मम्मी ड्यूटी जाने के लिए पानी वानी भर रही है। गाइस तो फाइनली मम्मी चल गई है ड्यूटी अभी और पूरा अंधेरा हो चुका है और आज हम मतलब कि मायके में है तो आज मुको हमको लेने के लिए आने वाले थे जो कि आ चुके हैं। तो चलिए आप लोगों को मिलाते हैं उससे आके, मतलब तभी ही आ गया है और आके अभी रात हो गया है तो चलिए अब मिलाते हैं उससे। और आते आते देख सकते हैं कैसे फोन में बस एडिटिंग क्या हो रहा है गला में किच किच स्वेटर उटर तो खोल लो यार उसके बाद क्या अरे ब्लॉग ब्लॉग हम लोग का तो रेगुलर आता नहीं है, जब बनाते हैं तब दोनों साइड से बनता है। देखिए हम बनाए ब्लॉग तो हम एडिट कर रहे हैं अभी, ये भी बना रही है ब्लॉग, हो सकता है अब रेगुलर आप लोग को मिले है क्योंकि हम लोग बीच में बहुत ज्यादा मतलब गैप कर दिए हैं, रेगुलर तो आना ही होगा। पहले वो वाला ब्लॉग आएगा उसके बाद ये वाला ब्लॉग आएगा। तो चलिए ब्लॉग पर बने रहिए, आगे आप लोगों को दिखाते हैं कि अब क्या क्या करेंगे।